नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत एक सोच। अखिलेश यादव की ये तस्वीर देखिए, जन्माष्टमी की है। कुछ और बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि आस्था बाजार में बेचने की चीज नहीं है, धर्म धंधेबाजी और पाखंड की पाठशाला नहीं है। ये अखिलेश यादव हैं, राम मंदिर बनने पर बधाई देते हैं और खुद वृंदावन में दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं, किसी को बताया तक नहीं। सैफई में कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति बनवा रहे हैं, किसी से जिक्र तक नहीं किया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सैफई की है, जिसमें जन्माष्टमी पर अखिलेश और डिंपल यादव कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाने के बाद वो मूर्ति देखने गए जिसको पिछले कुछ समय से बनवाया जा रहा है। अखिलेश ने कुछ समय पहले ही सैफई में कृष्ण की मूर्ति बनाने का ऐलान किया था, जो अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। ये मूर्ति करीब 51 फीट ऊंची है, जिसमें कृष्ण रथ पानी की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। इस मूर्ति का वजन करीब 60 टन है, जिसे सैफई के एक स्कूल के प्रांगण में बनाया जा रहा है। कृष्ण की मूर्ति के आसपास कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध जैसा स्वरूप दिया गया है, जिसमें कृष्ण हाथ में चक्र लिए हुए संबोधन कर रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में हमेशा से विकासवादी राजनीति के वाहक रहे हैं। वो विकास की नीतियों का प्रचार करते हैं, लेकिन धार्मिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए वो शांति से काम करते रहते हैं। हवन करते हुए अपनी कवरेज टीवी पर नहीं कराते, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म धारण करने की चीज़ है। जो धार्मिक चीज़ों का दिखावा करते हैं वो पाखंडी होते हैं। उनके मन में प्रभु का वास नहीं, लालसा का घर होता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।